नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। दरभंगा के लहरिया सराय में रूमी हत्याकांड में अभियुक्त डॉक्टर को गिरफ्तार करने और पीड़ित परिवार पर झूठा मुकदमा दर्ज करने को लेकर प्रदर्शन किया गया। वही आपको बता दें कि आईजी के समक्ष ये प्रदर्शन किया गया है। दरभंगा के लहरिया सराय में रूमी हत्याकांड को लेकर अभियुक्त डॉक्टर को गिरफ्तार करने, पीड़ित परिवार पर हुए झूठा मुकदमा को वापस लेने सहित 6 सूत्री मांग पत्र को लेकर इंसाफ मंच के दरभंगा जिला कमेटी के नेतृत्व में आज लहरिया सराय दरभंगा पोलो मैदान के गेट से दरभंगा आईजी के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन निकाला गया। प्रदर्शन का नेतृत्व इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, भाकपा राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, भाकपा जिला स्थायी समिति सदस्य अशोक पासवान, भाकपा सिंहवाड़ा प्रखंड सचिव सुरेंद्र पासवान, मोहम्मद इजहार एहतर उर्फ बबलू, रियाज खान कादरी, एपवा जिला सचिव सनिचरी देवी व रशीदा खातून ने किया। आईजी के समक्ष प्रदर्शन को देखते हुए लहरिया सराय टावर से लेकर कमिश्नरी तक पुलिस फोर्स से भर दिया गया था। प्रदर्शनकारी पोलो मैदान के गेट के पास जुटकर वहीं से जुलूस की शक्ल में नारा लगाते हुए आईजी कार्यालय की ओर बढ़े तो लहरिया सराय पुलिस इंस्पेक्टर के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने प्रदर्शनकारियों को कमिश्नरी से पहले ही तिनकोनवा के पास रोक दिया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हो गई और पुलिस को पीछे हटना पड़ा और कमिश्नरी के पास ही प्रदर्शनकारी सड़क पर धरना पर बैठ गए। अरई बिरदीपुर के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि जिला परिषद सदस्य रूमी का मामला हो या फिर छोटाई पट्टी पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद कैसर व मनीगाछी के मुखिया रियाजुद्दीन की हत्या का मामला हो, सभी मामलों में पुलिस हाथ पर हाथ रखी बैठी हुई है, अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। प्रदर्शन के माध्यम से आज पुलिस को अल्टीमेटम देने आए हैं कि हत्यारों को संरक्षण देना बंद करें और जल्द गिरफ्तार करें। ब्यूरो रिपोर्ट एचबीएन न्यूज। आक्रोश प्रदर्शन है इंसाफ मंच की ओर से। हम पिछले दिनों जो लगातार जनप्रतिनिधियों की हत्याएं हुई है उस हत्या के केस में पुलिस का निकम्मापन है, इसके खिलाफ में हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हम रूमी का जो हत्यारा डॉक्टर है उसकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। हम जो पीड़ित परिवार पर झूठा मुकदमा है उसकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। हम कैसर जो पंचायत समिति की हत्या हो गई थी उस पर डीएसपी का सुपरविजन आ गया, एसपी का 2 रिपोर्ट हो गया, लेकिन अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई। नाजिम का जो हत्यारा का साजिश करता है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मनीगाछी के रियाजुद्दीन की हत्या हुई थी, उसका जो साजिश करता है जांच में आया, लेकिन पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। इन तमाम सवालों पर, 6 सूत्री मांगों पर आज हमारा आईजी की यहाँ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन है इंसाफ मंच की ओर से। नियाज अहमद।